फिर स्वागत है आप लोगों का एक और एक न्यू वीडियो के अंदर। सो इस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पोको X3 प्रो के बारे में बात करने वाले कि 2022 के अंदर क्या आपको ये वाला फोन लेना चाहिए या फिर आपको वेट करना चाहिए जो भी नया फोन आने वाले 2022 के अंदर फरवरी के अंदर या फिर मार्च या फिर जन के अंदर जो भी नए नए लॉन्च होने वाले फ़ोन पोको X3 प्रो को जो बीट कर पाए क्या उसके लिए वेट करना चाहिए या फिर जो पोको X3 प्रो है वो हम लोग को ले लेना चाहिए। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना एंड गेम प्ले को भी एंजॉय करना क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग आप लोगों को मतलब जो गेम प्ले वो भी दिखाएंगे एंड साथ में जो ये फ़ोन हम लोग को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। अगर आप लोग एकदम रैंक पुश कर रहे हो पोको X3 प्रो को लेके मतलब एक आपको कॉम्पिटिटिव खेलना है या फिर एकदम हैवी गेम खेलना जैसे रैंक पुश करना है कॉन्करर पुश के लिए तो आप लोगों को क्या ये फ़ोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए सब कुछ बताऊँगा वीडियो के अंदर एंड साथ में गेम प्ले भी एंजॉय करना कि और ये भी बताऊँगा कि ये जो फ़ोन है पोको X3 प्रो कहाँ का लैग करता कैसे टाइम पे लैग करता वही बताऊंगा तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। सो अभी हम लोग गेम प्ले की बात करते तो यहाँ पे अभी हम मैं ऊपर जितना हो सका उतना मैंने किल कर दिया उसके बाद फिर मेरे पास कुछ HP बचा नहीं था। सो फिर उसके बाद फिर हम लोग नीचे उतरे नीचे उतरने के बाद यहाँ पर ऊपर वापस आए जहाँ पर ये कार्टून बनता है फ्री फायर वाला पता नहीं क्या चीज़ है ये तो यहाँ पर आके हम लोग ने मतलब हम लोग ने क्या मैं और ये जो मेरा दो नंबर जो भी है इसका तो भाई ये भी नेक्स्ट जो नेक्स्ट सीज़न है ये भी कॉन्करर पुश करने वाला है। सो इसके वजह से हम लोग जो टीयर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा ले रहे ताकि हम लोग को जो नेक्स्ट सीज़न है हम लोग को जल्दी से जल्दी कॉन्करर मैं देखो मैं तो कॉन्करर पुश करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि कॉन्करर पुश में भाई बहुत ज़्यादा खेलना पड़ता है एंड मैं इतना ज़्यादा खेलता भी नहीं हूँ क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा टाइम मिलता नहीं इसलिए मैं इतना खेलता भी नहीं हूँ। सो इसलिए जो हम लोग मैं सिर्फ एज डोमिनेटर तक करूँगा उसके बाद फिर मैं छोड़ दूंगा अगर एज अगर कॉन्करर हुआ तो हुआ नहीं हुआ तो नहीं हुआ मेरे को कोई लेना देना नहीं है लेकिन बस एज डोमिनेटर हो गया मेरे लिए बस बहुत है बस इतना तक ही मैं कर दूंगा। एंड अभी बात करते हैं हम लोग पोको X3 प्रो के बारे में इस गेम प्ले को तो यहाँ पे रहन देते हैं जब तक ये यहाँ पे फाइट वीट हो रहा है। सो बात करते हैं पोको X3 प्रो के अंदर सो 2022 के अंदर अगर आपको पोको X3 प्रो लेना है ना मैं बोलूँगा अगर आप लोग थोड़ा वेट कर सकते हो गाइस तो थोड़ा सा वेट कर लो क्योंकि जो पोको का है ना बहुत सारा पोको का ही या फिर शाओमी का और रियलमी का बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन आने वाले जिसके अंदर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हो मार्च या फेब तक तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ोन मिलने वाला है एंड पोको से जो पोको X3 प्रो है शायद से उससे भी अच्छा फ़ोन आपको मिलने वाला है। थोड़ा सा अगर 1000 रुपये एक्स्ट्रा दोगे 20,000 रुपीज़ दोगे तो आपको उस रेंज के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ोन निकलने वाला है एंड मैं उस फ़ोन का नाम नहीं बताऊँगा वो फ़ोन मैं आपको नेक्स्ट जो मेरा वीडियो रहेगा एक या फिर दो वीडियो के बाद उस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा फ़ोन आने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना नेक्स्ट वीडियो के लिए कि उस टॉपिक के ऊपर बनाने वाला हूँ एंड बता देना कि आप लोग कितना जल्दी चाहिए आप लोगों को वाला वीडियो तो मैं बना दूंगा उसके ऊपर कि पोको X3 प्रो जैसा फ़ोन जो अंडर 20,000 में लॉन्च होने वाला है तो मेरे को यहाँ पे कुछ लीक्स मिला है तो मैं आपको बता दूंगा। सो बताना कमेंट के अंदर आप लोगों को चाहिए कि नहीं। सो यहाँ पे अभी गेम प्ले का बात करते हैं तो गेम प्ले में देखो अभी यहाँ पे हम लोग फाइट लेने के लिए आए थे फाइट लेने के आए आगे यहाँ पे फंस गए हम लोग लगा कि थर्ड पार्टी करेंगे यहाँ पे चिकन विकन मतलब किल निकालेंगे एकदम आराम से लेकिन भाई यहाँ पे हुआ नहीं यहाँ पे कुछ और ही हो गया यहाँ पे दो नंबर पूरा फिनिश हो गया और मैं यहाँ से सीधा कल्टी ले लिया क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं यहाँ पे रुक गया तो मेरा पेटी बनना एकदम है और मेरा जो माइनस है वो गंदा वाला लगेगा इसलिए मैं यहाँ से निकल जाता हूँ एंड मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे बंदे रहेंगे तो मैं एक दो किल निकाल के यहाँ से भाग जाऊँगा लेकिन यहाँ पर भी बंदे मेरे को नहीं मिलते थोड़े से आगे थे एंड मैं अगर आगे जाता तो मर जाता इसलिए मैं यहाँ पर आगे गया ही नहीं बंदे लोगों को मारने के लिए। उसके बाद फिर सीधा मैं स्कूल में आ गया वहाँ से स्कूल में आने के भाई यहाँ पर भी कैंपर मिले इतने सारे खतरनाक जो लॉबी के अंदर जितने भी भाई कैंपर थे ना कैंपर क्या बोलेंगे रैंक पुश कर रहे हैं सब लोग सबको नेक्स्ट सीजन कॉन्करर पुश करना है किसी को एज डोमिनेटर पहुंचना है सो इसलिए सब लोग एकदम कैंप कैंप करके खेल रहे हैं। तो मैं भी यहाँ पे कैंप करके भाई थोड़ा सा खेला क्योंकि मेरे को यहाँ पे फुटप्रिंट नहीं मिल रहा था यहाँ पे तीन बंदे लेकिन दो बंदे लोग एकदम अच्छा एकदम एग्रेसिव खेल रहे थे एंड जो एक बंदा था बहुत ज़्यादा कैंपिंग टाइप का कर रहा था उसके वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा वो मिला एंड वो आपको गाड़ी में दिख जाएगा यहाँ पे जब मैं गाड़ी चेंज करने जाता हूँ तब वो फायरिंग करता है उसके बाद फिर बहुत गंदा वाला सीन होता हमारे साथ। एंड अभी बात करते हैं कि जो पोको X3 प्रो का परफॉर्मेंस है वो कैसा है। सो देखो अगर आप लोगों को पोको X3 प्रो लेना है उससे आप लोगों को जो रैंक पुश करना है या फिर कॉम्पिटिटिव खेलना है सो अगर आप लोग उस टाइप के लिए ले रहे हो अंडर 20,000 तो उससे बेस्ट फ़ोन आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है तो मैं बोलूँगा वो फ़ोन ले लो। अभी आप लोग बोलो कि भाई बहुत सारे जन बोल रहे कि भाई इसमें लैग करता था मदरबोर्ड इशू था उसके अंदर था प्रॉब्लम लेकिन अभी आप लोग ले सकते हो अगर न्यू अपडेट आया उसके अंदर अपडेट के बाद उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो भी प्रॉब्लम था सब फिक्स हो गए तो आप लोग अभी बिना कोई सोचे समझे आप लोग ले सकते हो फ़ोन को क्योंकि गेमिंग के लिए उससे बेस्ट फ़ोन मिलेगा नहीं अभी आपको अगर आपको लेना है इसी मंथ एंड अर्जेंटली लेना है आप लोग को आपको कोई भी फ़ोन के लिए वेट नहीं करना है तो मैं बोलूँगा पोको X3 प्रो ले लो
पोको एक्स थ्री प्रो ले लो, सबसे बेस्ट रहेगा वो। एंड गेमिंग परफॉर्मेंस तो आपको पता है कि नेक्स्ट लेवल है। एंड अभी बात करते हैं कि उसके अंदर कॉन्करर पुश कैसा होगा, मतलब क्या लैग होगा उसके अंदर। सो देखो, अगर आप लोग सोच रहे हो कि उस फ़ोन को कॉम्पिटिटिव के लिए लोगे या फिर रैंक पुश के लिए लोगे, तो अंडर 20,000 लोगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। उससे अलावा उसके अलावा और कोई भी फ़ोन मत लेना। एंड मैंने अभी आपको बताया था कि क्रोमा से अगर आप लोग मी 10T लोगे तो वो 21,000 का आपको पड़ जाएगा। उसके अंदर भी स्नैपड्रैगन 865 है। तो अगर आप लोग वो ले सकते हो क्रोमा से, तो न्यू फ़ोन ही मिलता है। सब लोग बोलते भाई अपना रीन्यू अपना लोग न्यू फ़ोन नहीं देते, पुराना फ़ोन देते, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग जाके क्रोमा से ले लो, क्रोमा के अंदर सेम प्राइस के अंदर मिल जाता है। तो आप लोग मी 10T भी और स्पेसिफिकेशन भी सेम मिल जाएगा, बस थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा फ़ोन है वो, तो आप लोग ले सकते हो वाला फ़ोन भी। एंड यहाँ पे इस गेम के अंदर हमारा कोई चिकन डिनर विनर नहीं होता है, बस ऐसा नॉर्मली जो हम लोग जो रैंक पुश ना वो कर रहे थे। तो इसके अंदर मैं #2 आता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत सारा जो किल है वो निकाल लिया था। एंड आप लोग बोलो कि भाई तुम्हारा जो स्प्रे इतना गंदा क्यों जा रहा है। अभी देखो भाई, सर्दी का टाइम है, आप लोगों को पता है कि हाथ विद कितना कांपता है भाई। मैं सच्चे में लिटरली मुंबई में अभी रह रहा हूँ, मैं मुंबई के अंदर इतना सर्दी पड़ा है, मैं फर्स्ट टाइम मैं मुंबई में इतना सर्दी पड़ा है, मेरे को क्या बोलूँ, फ़ैन तक ऑन नहीं है। वरना मुंबई के अंदर आप लोगों को पता है कि 24 घंटे फ़ैन ऑन रहता है, लेकिन अभी फ़ैन ऑफ है, आप लोग समझ सकते हो कितना ज़्यादा ठंडी है यहाँ पे। एंड अगर आप लोग देखो इस फ़ोन को लेना चाह रहे पोको एक्स थ्री प्रो को, अगर लैग अगर आपको विदाउट कोई लैग भी गेम प्ले खेलना है 20,000 के अंदर, तो पोको एक्स थ्री प्रो ले लो, सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा सा और वेट करना ना, मैं बोलूँगा गाइस आप लोग वेट कर लो, क्योंकि बोलते हैं ना सबर का फल मीठा होता है। तो कुछ ही दिन के अंदर, मार्च के अंदर ही, जैसे मार्च के अंदर ये वाला पोको एक्स थ्री प्रो आया था, तो आप लोगों को मार्च के अंदर ही आप लोगों को पोको एक्स थ्री प्रो मिलने, मतलब पोको अभी मैं बताने नहीं वाला हूँ कि कौन सा फ़ोन आने वाला है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। सो एक नया फ़ोन आने वाला है, तो उसके लिए वेट कर सकते हो। तो और अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव खेलना चाहते हो कि लैग होता है क्या नहीं होता, देखो लैग हर एक फ़ोन में होगा, एंड्रॉयड फ़ोन में, वन प्लस में भी होता है, आरओजी में भी होता है, सब फ़ोन के अंदर होगा। लेकिन ये जो फ़ोन है थोड़ा सा क्या हम लोग बोल सकते हैं, एक बजट फ़ोन है, तो इसलिए जो आप लोगों को जो रैंक पुश के अंदर एंड जो कॉम्पिटिटिव का देखो T3 के अंदर ये इजीली बीट कर लेगा, लेकिन T2 जो है उसके अंदर थोड़ा सा आपको फ्रेम ड्रॉप देखने मिलने वाला है। जब रोटेशन होता है उसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप देखने के लिए मिलता है, बाकी इसके अंदर कोई भी लैग या फ्रेम ड्रॉप ये सब नहीं है। एंड देख सकते हो इस गेम प्ले के अंदर भी भाई बहुत सारा लैग हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो स्टोरेज है वो मेरा फुल हो चुका है, इसके वजह से यहाँ पे लैग कर रहा है। सो उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग मेन टॉपिक में आते। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं किल विल निकाल दिया था एकदम सब कुछ, उसके बाद फिर मैच ख़त्म हो जाता है। एंड जो #2 आते हैं हम लोग, क्योंकि वो बंदा जो ग्रोजा से मेरे को लास्ट में मार देता है, क्योंकि मेरा जो एम है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है उसके वजह से, एंड उसके पास ग्रोजा भी रहता है, तो क्लोज रेंज में M4 और ग्रोजा कभी भी जीत नहीं सकते, तो उसने मेरे को ईजिली बीट कर दिया था। एंड अभी आते कि क्या हम लोग को पोको एक्स थ्री प्रो लेना चाहिए 2022 के अंदर। सो आप लोग आग बंद करके 2022 के अंदर पोको एक्स थ्री प्रो ले सकते हो, लेकिन अगर आपको वेट करना है थोड़ा सा और पैसा डाल के एक अच्छा फ़ोन लेना है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि आपको परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा सा और 5G भी आने वाला है, फ़ोन 5G रहेगा एंड सेम प्राइस के अंदर रहेगा और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहने वाला है। तो अगर आप लोग वेट कर सकते हो तो वेट करो, नहीं करना है तो पोको एक्स थ्री प्रो ले लो, ये नेक्स्ट लेवल फ़ोन है। मेरे को नहीं लगता इससे अच्छा फ़ोन आपको कोई मिलेगा, एंड अभी तक कोई लॉन्च होगा क्या फिर नहीं होगा ये इस प्राइस रेंज के अंदर, और जो भी होगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। मैं गाइस बहुत एक्साइटेड हूँ, तो न्यू वीडियो के लिए बस वेट करना, न्यू वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बताते रहूँगा। एंड देखो यहाँ पे हम लोग एकदम खतरनाक वाला मर जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग एस मास्टर करने का ट्राई करेंगे, एंड एस मास्टर हो ही जाएगा मेरा कुछ दिन के अंदर, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक मेरा एस मास्टर भी हो जाएगा। तो यार बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।